हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ हिंदी मीडियम चैनल डाउटनेट पर। तो आज हम पहुंच चुके हैं नोएडा के राजकीय विद्यालय परिसर पर, जहां पर बहुत सारे क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स दे रहे हैं यूपी बोर्ड का क्लास टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम। तो आज है बच्चों का मैथ्स का एग्ज़ाम। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी क्यों ना पढ़ लें, हमेशा पेपर को लेकर एक डर बना रहता है। तो थोड़ी देर में ही एग्जाम ओवर होने वाला है और हम जानेंगे बच्चों के रिएक्शंस कि उनका कैसा रहा आज का पेपर। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी है। तो आपके पेपर कैसा हुआ जी? मैथ्स का पेपर कैसा हुआ? नॉर्मल था, ज्यादा मतलब ना मुश्किल था और ना आसान था, मतलब नॉर्मल था। मेरे पेपर देख के डर तो नहीं लग रहा था? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा। मेरे लिए तो एकदम इजी पेपर था। मतलब जो पढ़ा था वही आया? हाँ वही आया, एक दो क्वेश्चन अलग से आए थे। पेपर में टाइम तो कम नहीं पड़ गया था? नो मैम, बिल्कुल टाइम सही पढ़ा था, 3 मिनट या 3 घंटे 3-15 मिनट पढ़ा। अच्छा, कौन सा सेक्शन तुम्हें सबसे हार्ड लग रहा था, जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा था? कौन सा सेक्शन सबसे आसान था? मैम सेक्शन बा, जो सेकंड, यानी कि जो लघुत्तरी प्रश्न वाला है। OMR तो मैम इजी हो गए थे, 6 नंबर के क्वेश्चन थे उनमें टाइम लग रहा था। अच्छा, और OMR शीट फिल करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी? नो मैम, बिल्कुल आसानी हुई से फिल करने में। तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स आ जाएंगे? मैम ऐसे मैम गेस तो नहीं कर सकते, बट आ जाएंगे थोड़े ठीक ठाक। और आपके? मैं नहीं बता रहा, बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे बता सकता हूँ, पेपर चेक होगा जो आएंगे तो पता। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। क्या उम्मीद क्या लगती है, कितने मार्क्स आ जाएंगे? मैम 60 तो आ ही जाएंगे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट एग्जाम में और अच्छा करके आना है। तो आपका नाम क्या है? रोहित। तो पेपर कैसा था, इजी था, टफ था, कैसा था? बहुत, इतना बेकार गया है ना, बता नहीं सकता। तो कैसा हुआ मैथ्स का पेपर? बहुत बढ़िया मैम। आपका नाम क्या है? सोनाली कुमारी। आपका नाम? जिया। तो पेपर में कैसा था, आसान था, टफ था? बहुत इजी था, हमारे प्री बोर्ड से भी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, और पेपर लेंथी तो नहीं लग रहा था? टाइम बिल्कुल नहीं, टाइम बच गया था, और जो जो सर ने करवाया था हमें वो सब कुछ आया। क्या बात है, तो कितने मार्क्स आ जाएंगे क्या लगता है? 60 से अबव आएंगे। 60 से अबव, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम है विकास चौहान। तो आपका मैथ पेपर कैसा हुआ? मैम बहुत अच्छा गया मेरा मैथ का पेपर। तो पेपर के पहले थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बट पेपर को देख करके क्या रिएक्शन था? मैम डर तो बहुत लगा। हाँ। तो मैम मैं पहले घबरा गया पेपर देखते ही, मैम फिर आते आते गया, मैम 70+ कर दिया। मैम 70+ कर लिया, कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है? नो मैम। बहुत ही बढ़िया, तो 70+ उम्मीद क्या मैम? पूरा डन। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम अतीश राजभर है। तो मैथ्स के पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा गया मेरा। पेपर के पहले डर लग रहा था? मैम डर क्यों लगेगा, पढ़ के गए थे मतलब? और 6, 8, 12 नहीं करेंगे, 8 करके आएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देख रहे हो। मेरा नाम है सन्नी, पेपर करके आऊँ, वेरी फनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कौन सा सेक्शन सबसे इजी लगा मुझे? मैथ ऐसा करके आया हूँ कि मुझे 70 में से 71 मिल जाएगा। अब ये कॉन्फिडेंस है, फेल होऊंगा मुझे इतना पता है। यानी कि तुम लोगों ने सारा का सारा पेपर कर डाला। क्या लगता है कि पेपर में कितने मार्क्स आ जाएंगे, मैथ्स के पेपर में कितने मार्क्स? 100। यानी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया? नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अपने रिएक्शंस देने के लिए, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चों का मैथ्स एग्जाम अच्छा हुआ है। और जितने बच्चे यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका मैथ्स एग्जाम कैसा हुआ। तो मिलेंगे हम अपनी अगली क्लासेस में और ऐसे ही रिएक्शंस आपको लाके दिखाते रहेंगे। और आपको भी कॉमेंट करके बताना है कि पेपर आपका कैसा हुआ है। तो जुड़े रहिए डाउटनेट के साथ, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।